नमस्कार डियर जिंदगी के पहले दिन में आप सबका स्वागत है। आप हमसे जुड़े हैं उस बात की हमको खुशी है। इस 21 दिन की यात्रा हम सबके लिए बहुत ही सुखद रहेगी और अवश्य ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। 21 दिन तक हमसे जुड़े रहे और हर एक दिन की प्रक्रिया में अपने 100% रखते जाए। आज का हमारा विषय है कृतज्ञता। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की शक्ति के साथ हमारे चित्त की संवादिता को प्रस्थापित करती है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता मतलब ईश्वर ने हमारे जीवन में हमको जो भी दिया है उसके प्रति आभारी हो जाना। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके प्रति जब हम आभारी हो जाते हैं तो ईश्वर हमें और देना चाहता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को भेंट देते हैं और आपका भेंट पाके वो बच्चा खुश होता है, आनंदित हो जाता है, आपकी उसकी खुशी देख के आप भी खुश होते हैं और उस बच्चे के लिए फिर से कुछ ले जाने का आपका मन होता है। लेकिन अगर आपकी भेंट का अस्वीकार होता है, उसकी फरियाद होती हो और नाखुशी व्यक्त होती हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप फिर उस बच्चे के लिए कुछ ले जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे वो आप खुद का बच्चा भी क्यों ना हो। ऐसे ही ईश्वर हमारे साथ करता है। कृतज्ञता से क्या फर्क पड़ता है? जब हम कृतज्ञता की भावना को महसूस करते हैं तो हमारे मन से नकारात्मक भावनाएं कम होती जाती है, सकारात्मक भावनाएं बढ़ती है। और जैसे ही नकारात्मकता कम होती है हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारे शरीर में पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसे जैसे हम कृतज्ञता प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा हृदय में से नकारात्मक भावनाएं कम होती जाएगी, हमारा हृदय प्रेम और सकारात्मक भाव से भर जाएगा। और जब कृतज्ञता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी तब तो हम एक ऐसे पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे, सकारात्मक शक्तिशाली चुंबक बन जाएंगे जिसके द्वारा हम जो भी चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि वैभव, हम हमारे जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। आज का हमारा होमवर्क, हमारी डायरी में 100 व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति की सूची बनानी है, लिस्ट बनाना है जिसके लिए हम आभारी हैं। आज का आपका होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।